अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफी। आज मैं आपको बताऊंगा वीकली हॉरोस्कोप एरीज से लेके पाइसेस वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। दिसंबर का मंथ है, 2023 है। अच्छा, मैं आपको एक इब्तदाई में एक बात शुरू करता हूं कि आपको पिछले दो हफ्ते से ऐसा लग रहा होगा कि कोई इतना खासा चेंज नहीं देखने को मिल रहा होगा, या जो जैसी लाइफ चल रही है वैसी चल रही होगी, या माइनर सा अप एंड डाउन, बल्कि अब तो नहीं कहूंगा, हल्का सा जैसे एक स्टिल पोजिशन चल रही होगी। कोई खासा इतना ज़ाहरी फर्क नहीं देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि प्लैनेट की भी एक डिग्रीज होती है और हर इंसान का एक पर्सनल बर्थ चार्ट भी होता है। खैर, वो एक अलग बात है, मगर जो प्लैनेट्स की डिग्री चल रही हैं और जो प्लैनेट की पोजीशन चल रही है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। मगर ये जो 19 तारीख से लेके जो 25 तारीख तक का जो टाइम है, ये आप लोगों का कैसा रहेगा एरीज से लेके पाइसेस वालों का, इस पर मैं बताना शुरू करता हूँ। तो एरीज वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है, एरीज वालों को मैं कहूँगा आपका जो लगन का मालिक है वो 8वें घर में चल रहा है, अभी भी इतनी अच्छी पोजीशन नहीं है, मगर उसके जो फेवर के प्लैनेट हैं ये बहुत अच्छी पोजीशन में चल रहे हैं। तो इससे ये होगा कि आपके कामों के मामलात में और कुछ फाइनेंशियल मामलात में आपको कुछ बेहतरी देखने को मिल सकती है। हो सकता है किसी दोस्त के जरिए या किसी जिसे कहते हैं ना कि प्रोफेशनल मामलात में, ऑफिस के जरिए या बिजनेस से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको कोई फायदा देखने को मिल सकता है। कुछ जिम्मेदारी भी बढ़ सकती है, काम का लोड भी आपके ऊपर थोड़ा सा बढ़ सकता है इसकी वजह से। और हो सकता है जैसे कहते हैं ना कि कोई नई अपॉर्चुनिटी भी आपको नॉक कर सकती है इस मामले में आपके लिए, मतलब होता है ना कि एक अच्छा फेवर का टाइम प्रोफेशनली हिसाब से बनता हुआ नजर आ रहा है। किसी करीबी रिलेटिव की शादी या अगर आपकी अपनी शादी में कुछ जैसे कहते हैं कि काफ़ी अर्से से डिले चल रही है, कुछ मोहब्बत के मामलों में खराबी चल रही है, तो वो आपके मोहब्बत के मामलों में कामयाबी होने के भी इम्कान है, क्योंकि वीनस आपकी बहुत अच्छी पोजिशन में चल रही है। शादी होने की 7th हाउस वैसे भी शादी के घर का है, एरीस में एरीस जो आपकी असेंडेंट है वो आपका 7वां घर शादी का बनता है, वीनस खुद उस घर में चल रही है, तो पार्टनरशिप के मामलात में आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा। मोहब्बत अगर आप किसी के साथ करते हैं तो वो शादी में कन्वर्ट हो सकती है। किसी करीबी ख़ास तौर पर आपके बड़े कज़न या बड़े बहन भाई, उनकी कोई खुशी की खबर आपको सुनने को मिल सकती है। और हो सकता है आपको अगर सफ़र करना चाह रहे हैं या कुछ जैसे कहते हैं ना कि आपकी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ भी बढ़ेगी और सफ़र के कुछ मामलात बनते हुए भी नज़र आ रहे हैं, तालीमी मामलात में कुछ हद तक आपको बेहतरी देखने को मिल सकती है। अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी तालीमी मामलात में आपको अभी भी फोकस करके चलने की ज़रूरत है, ये थोड़ी सी ज़रा अभी माइनर सी कमज़ोर पोजिशन चल रही है। अगर मैं आपके हेल्थ का कहूँ तो थोड़ा सा आपको अगर अपने पेट का ख्याल रखना है ख़ास तौर पर, और आपको अपने शोल्डर में पेन हो सकता है और सर में अभी भी आपको थोड़ा सा ज़रा भारीपन या सर का दर्द इस टाइप की चीज़ आपको देखने को मिल सकती है इस हफ्ते। स्ट्रेस को आपको कम से कम लेना है, अखराजात को थोड़ा कंट्रोल करके चलना, क्योंकि 12वें घर में राहु चल रहा है, अखराजात बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको खास बताऊँ, 12वें घर में जो राहु चल रहा है, किस कहते हैं ना कि किसी के लड़ाई झगड़े में किसी से उलझने की आपको ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको थोड़ा सा ज़रा अपने आप को बचा के चलाने की ज़रूरत है। अब मैं बात करता हूँ टॉरस वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। टॉरस वालों को मैं कहूँगा आपकी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा निखार आता हुआ नज़र आ रहा है, आपके प्रोफेशनल मामलात में कुछ हद तक आपको बेहतरी आती मतलब बनती हुई नज़र आ रही है, कुछ किसी की सपोर्ट के जरिए भी आपको कोई फ़ायदा हो सकता है। मगर मैं एक चीज़ आपको ख़ास कहूँगा, आपके जो मुखालिफिन हैं टॉरस वालों को, वो एकदम उनको नज़र नहीं आते, मगर वो काफ़ी हद तक जब नुकसान पहुंचा देते तब उनको समझ में आता है कि हमारे लिए सही थे या नहीं थे। तो थोड़ा सा जो आपके मुखालिफिन हैं उनसे आपको थोड़ा मोहतात रह के चलने की ज़रूरत है। वो आपके सामने जाहिर भी होंगे, चाहे वो दोस्त की सूरत में हो चाहे वो प्रोफेशनल मामलात में, थोड़ा सा अगर आपको अपने जिसे कहते हैं ना कि अलर्ट होकर चलने की ज़रूरत है। किसी पर ज़्यादा भरोसा नहीं कीजिएगा, खर्चों को थोड़ा ज़रा कंट्रोल करके चलिएगा, खर्चे थोड़े से ज़रा बढ़ सकते हैं। आपके वालदा की हेल्थ का आपको थोड़ा सा ज़रा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है, या वालदा के साथ कहते हैं ना कि थोड़ा सा ज़रा बात ख़राब होना या अख्तिलाफा से मतलब मेंटली तौर पे कुछ बढ़ जाना, तो थोड़ा सा ज़रा बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। तालीमी मामलात में आपको बहुत ज़्यादा फोकस करके चलने की ज़रूरत है। अगर आपकी किसी के साथ मोहब्बत के मामला चल रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि मोहतात और एहतियात करके चलने की ज़रूरत है। कोई बात ख़राब ना हो, कोई मतलब जैसे कहते हैं ना कि मूड ख़राब होने की वजह से कोई बात ख़राब ना हो, थोड़ा सा ज़रा अपने मूड को आपको बेहतर लेके चलने की ज़रूरत है। और अगर आप कोई सफ़र करना चाहते हैं या घूमने फिरने का आपका कोई प्लान है दोस्तों के साथ, तो इस हफ्ते ये भी बहुत अच्छा रहेगा, आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम निकाल सकते हैं इस हफ्ते। और हो सकता है कि जैसे कहते हैं ना कि कोई मतलब कोई किसी करीबी रिलेटिव की हॉस्पिटल में जैसे एडमिट हो जाना, तो उसमें मतलब ये चीज़ भी जाहिर करती है कि हॉस्पिटल का कोई चक्कर लगता हुआ भी नज़र आ रहा है, तो ये चीज़ है। अब मैं आपको बताऊंगा जेमिनाई वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। जेमिनाई वालों को मैं कहूंगा आपको
थोड़ा सा जरा आपके माइंड डबल माइंड जिसे कहते हैं ना कि रहेगा, ये काम करूं नहीं करूं, ये चीज करूं नहीं करूं, मतलब प्रोफेशनल हिसाब से भी हो, चाहे वो किसी भी हिसाब से हो, कोई चीज खरीदने के हिसाब से भी हो, और खास तौर पे आपके मूड में जिसे कहते हैं ना कि थोड़ी सी जरा तेजी भी रहेगी और थोड़ा सा जरा जिसे कहते हैं हल्का सा गुस्सा टाइप की पोजिशन भी आपकी रहेगी। तो खैर बहुत ज्यादा अपने माइंड को बैलेंस करके चलिएगा। पोजिशन अच्छी चल रही है क्योंकि आपका मरकरी लगन का मालिक वो रेट्रोग्रेड और कंबस चल रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी जरा डबल माइंडेड आपकी सोच रह सकती है। वालदा की आपको थोड़ा हेल्थ का ख्याल रख के चलने की अभी भी जरूरत है। कुछ इकोनॉमिकल फाइनेंशियल तौर पर आपको कोई फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। अपने ऊपर आपको बहुत ज्यादा ध्यान बढ़ेगा, कोई कपड़े लेना या अपने बच्चों के ऊपर खर्चों का बढ़ जाना, इस टाइप की चीज भी आपकी बनती हुई नजर आ रही है। मोहब्बत के मामलात में बहुत अच्छा वेलकम होता हुआ नजर आ रहा है आपका, या हो सकता है कि आपकी मोहब्बत शादी में भी कन्वर्ट हो जाए, ये टाइप की भी चीज बनती हुई नजर आ रही है। कोई बड़े जो आपके हैं उनकी थोड़ी हेल्थ का आपको ख्याल रख के चलने की जरूरत है, खास तौर पर अपने वालिद और ददियाल से जो रिलेटेड है, मतलब जैसे चाचा चाची, मतलब इस टाइप के जो होते हैं ददियाल से रिलेटेड, उनकी खास तौर पे, क्योंकि जो सन की पोजिशन चल रही है वो इतनी ज़्यादा आपके लिए बेहतर नहीं है इस मामले में। और आपको मैं एक और मशवरा दूंगा, कोई प्रोफेशनल हिसाब से आप कोई डिसीजन एकदम नहीं लीजिएगा, ये थोड़ा सा ज़रा नुकसानदेह बन सकता है आपके लिए, मतलब थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि ये परेशानी का बायस बन सकता है। अब मैं बताऊंगा दो कैंसर वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। कैंसर वालों को मैं कहूंगा आपके प्रोफेशनली मामलात में बहुत अच्छी बेहतरी होती भी नज़र आ रही है, कुछ जिम्मेदारियां आपके ऊपर बढ़ती भी नज़र आ रही हैं, पैसों के हिसाब से आपको कोई अच्छा फ़ायदा होता हुआ भी नज़र आ रहा है, मगर खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलने की ज़रूरत है। और किसी से बहस करने से थोड़ा सा ज़रा परहेज कीजिएगा, वैसे आप हैं नहीं, मैं बार बार कहता हूँ कैंसर वाले इस तरीके के लोग नहीं होते, मगर थोड़ा सा ज़रा आपको कंट्रोल करके चलना है, एकदम गुस्से में या कोई ऐसी बात खराब ना हो, थोड़ा सा ज़रा बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। कुछ ज़मीन या जायदाद से रिलेटेड अगर आपकी प्रॉब्लम चल रही है तो वो सॉल्व होती भी नज़र आ रही है। कोई गाड़ी या घर लेना चाहते हैं तो वो आपको मिलने के इम्कान हैं इस हफ्ते। और मैं आपको खास कहूँगा इस हफ्ते के एंड में अगर आपकी कोई मोहब्बत के मामलात या आपके तालीमी मामलात, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। तालीमी मामलात में आपको बहुत ज़्यादा फोकस करके चलना है, मोहब्बत के मामलात में अपने जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा धीमा अंदाज रखिएगा, वरना बात खराब हो सकती है, गुस्से या लड़ाई झगड़े की वैसे दूरियां भी बढ़ सकती हैं। और थोड़ा सा आपको अपने सर का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, सर में दर्द होना या सर में भारी होना या एक रेस्टलेस सी पोजिशन आपकी बनती हुई नज़र आ रही है। और वालिद की भी थोड़ी आपको सेहत का ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है इस हफ्ते। अब मैं आपको बताऊँगा लियो वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। देखिए लियो वालों को मैं कहूँगा आपके एक मूड में थोड़ा सा ज़रा एक चिड़चिड़ापन या थोड़ी सी तबीयत में एक उदासी टाइप की चीज़ आपको देखने को मिल सकती है इस हफ्ते के इब्तिदा में, मगर आपको कुछ फाइनेंशियल फ़ायदा हो सकता है इस हफ्ते और आपके खर्चे हुए थोड़े ज़रा बढ़े हुए चलते, मतलब जो चल रहे हैं इसमें थोड़ा हद तक आपको कुछ बेहतरी देखने को मिल सकती है। किसी करीबी रिश्तेदार की शादी या खुशी की तकरीब में आपका हिस्सा बनता हुआ भी नज़र आ रहा है इस हफ्ते। और अगर आपकी जैसे वालदा के साथ या वालिद के साथ कुछ इख्तलाफात चल रहे हैं तो उसमें आपकी बेहतरी देखने को मिल सकती है। या मैं कहूँगा अगर आप कोई गाड़ी या घर लेना चाह रहे हैं या कोई रेंट की प्रॉपर्टी, मतलब दूसरा आप कुछ करना चाह रहे हैं, तो इस हफ्ते भी वो भी बेहतर होने के इम्कान है। तालीमी मामलात में आपका फोकस बहुत अच्छा रहेगा, आपके बच्चों की तालीमी मामलात में भी आपका फोकस बहुत अच्छा रहेगा, मतलब उनकी तालीमी मामलात में भी आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। अच्छा मैं लियो वालों को एक ख़ास बताऊं, अगर आपकी हेल्थ की मतलब अगर आपकी हेल्थ कमज़ोर चल रही है या आपकी हेल्थ के अंदर इनर तौर पे कोई दबाव चल रहा है, खास तौर पे मसल्स से रिलेटेड या आपके लोअर बैक पेन चल रहा है या सर्वाइकल का प्रॉब्लम चल रहा है या सर में भारीपन चल रहा है, तो अपनी नज़र ज़रूर उतारिएगा, क्योंकि जो राहु आठवें घर में चल रहा होता है तो ये नज़र और हो सकता है थोड़ा सा तरह जिसे कहते हैं ना कि जादू के भी असरात होते हैं इसकी वजह से। ये लियो वालों की खास मैं बता रहा हूँ, 21 मरतब सूर्य फलक पानी में दम करके ज़रूर पिया करें ये। अब मैं आपको बताऊंगा वर्गो वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। देखिए वर्गो वालों को मैं कहूंगा आपको अपने दिमाग की वजह से कुछ बेहतरी देखने को मिल सकती है, आपको कुछ अच्छे डायरेक्शंस मिल सकते हैं या आपको किस ट्रैक पे चलना है वो आपको मिल सकता है। कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार की अच्छी सपोर्ट आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, कुछ मतलब फाइनेंशियल तौर पर भी आपको कोई फ़ायदा देखने को मिल सकता है। खर्चों को आपको अभी भी बहुत कंट्रोल करके चलने की ज़रूरत है, आप एकदम पैसा आता है और आपका दूसरा हिस्सा चला जाता है, तो थोड़ा सा ज़रा बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। लड़ाई झगड़ों से किसी के साथ जैसे कहते हैं ना बहस करने से आपको परहेज करके चलने की ज़रूरत है। कोई गाड़ी चेंज करना चाह रहे हैं, घर लेना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी की मतलब दूसरा घर शिफ्ट करना चाह रहे हैं या रेंट से रिलेटेड आप कोई घर लेना चाह रहे हैं, तो वो होते हुए नज़र आ रहा है।
थोड़ा सा सर आपको अपने हेल्थ का ख्याल रख के चलने की जरूरत है। खास तौर पे आपको पेट से रिलेटेड मतलब एसिडिटी या बदहजमी इस टाइप की आपको कैफियत देखने को मिल सकती है। पार्टनरशिप के मामलात में इस हफ्ते के एंड में आपको बहुत ध्यान से चलना है, खास तौर पे आपके पार्टनर के साथ, जैसे कहते हैं ना कि कुछ इख्तलाफात हो जाना या कुछ मूड खराब सा रहना या आपके पार्टनर के अंदर थोड़ा सा चिड़चिड़ापन सा जाहिर होना, इस टाइप की चीज आपको देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा जरा माइंड को बैलेंस करके लेके चलने की जरूरत है। अब मैं आपको बताऊंगा लिब्रा वालों का यह हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। लिब्रा वालों को मैं कहूंगा आपकी पर्सनैलिटी में निखार पैदा होगा, आपको फाइनेंशियल तौर पर कहीं से कोई पैसों का अच्छा फायदा होने के भी इम्कान है, क्योंकि सन आपका जो एनिमी प्लैनेट है वो उसने ट्रांजिट मूव कर लिया है, तो आपको पैसों के हिसाब से कोई अच्छा फायदा हो सकता है। माल खाने के घर का मालिक भी अपने घर में चल रहा है और हो सकता है अच्छा खाना पीना या होटलिंग या दोस्तों के साथ घूमने फिरने का प्लान या अपने फैमिली के हिसाब से घूमने फिरने का प्लान कोई बन सकता है। ये आप लोगों का ये हफ्ता इस मामले में बहुत बेहतर जाने के इम्कान है। छोटे बहन भाई, छोटे कज़न या छोटे रिश्तेदारों की खुशी की तकरीब में आपका हिस्सा बनता हुआ नज़र आता है। आपकी वालदा के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग होती हुई नज़र आती है। वालदा की हेल्थ में कुछ बेहतरी आपको देखने को मिलेगी। मोहब्बत के मामलों में बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन रहेंगी। मोहब्बत के मामलों में आपके, बल्कि मैं कहूँगा कि मोहब्बत आपकी शादी में भी कन्वर्ट हो सकती है। बस एक चीज़ का मैं आपको बताऊँगा, इस हफ्ते के एंड में कोई दोस्त या आपके जो रिश्तेदार हैं उनकी कोई, जिसे कहते हैं ना कि कोई बैड न्यूज़ कह लें या उनकी हेल्थ से रिलेटेड कह लें या उनके कुछ कोई भी मतलब कोई जिसे कहते हैं कोई टेंशन वाली न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है। दोस्त या रिश्तेदार की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ छोटा मोटा सफ़र का भी प्लान बन सकता है। खर्चों को थोड़ा आपको कंट्रोल करके चलने की ज़रूरत है। अब मैं बताऊँगा स्कॉर्पियो वालों का यह हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। स्कॉर्पियो वालों को मैं कहूँगा आपका फाइनेंशियल तौर पर अच्छा फायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। पैसों के हिसाब से कोई अच्छा आपको फायदा हो सकता है, कोई अच्छी आपकी डील हो सकती है। कोई अगर आप जॉब के मामले में सर्च कर रहे हैं तो हो सकता है आपकी जॉब लग सकती है। अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, इसमें कोई प्रमोशन या इसमें कोई अच्छा आपको कोई फायदा बिजनेस के हिसाब से आपको मिल सकता है। गुस्सा आपका थोड़ा सा ज़रा बढ़ा हुआ रहेगा, इसको थोड़ा सा अभी भी आपको कंट्रोल करके चलने की ज़रूरत है। वालदा की हेल्थ या वालदा के ऊपर फोकस आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा रहेगा और ये टाइम वो होता है मतलब कि जैसे ना कि माँ की जो दुआ कह लें या ब्लेसिंग कह लें, इसमें इस क्योंकि जो प्लैनेटरी पोजीशन बन रही है वो बहुत मजबूत बन रही है। तो अपनी वालदा के साथ आप अच्छे रिलेशन रखें। और मैं ये कहूँगा अगर घर या गाड़ी से रिलेटेड कोई घर में काम करवा रहे हैं या घर से रिलेटेड कोई जैसे कोई नई चीज़ लेना, फ्रिज लेना या कुछ घरेलू आइटम पर आपका पैसा खर्च होता हुआ भी नज़र आता है। मोहब्बत के मामलों में कुछ हद तक आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। हेल्थ के मामलों में भी आपको कुछ हद तक बेहतरी देखने को मिल सकती है। और मैं ये कहूँगा अगर आप कोई घूमने फिरने का प्लान बना रहे हो तो इस हफ्ते के एंड में आपका दोस्तों के साथ या अपने फैमिली के साथ कुछ इस टाइप का भी बनता हुआ नज़र आता है। और कानूनी मामलों में कुछ अगर प्रॉब्लम चल रही तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन मिलती हुई नज़र आ रही है। मतलब कानूनी मामलों में कुछ ना कुछ आपको आपके फेवर में आपको फ़ायदा होता हुआ भी नज़र आ रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा सेगिटेरियस वालों का यह हफ्ता कैसे जाने की के इम्कान है। सेगिटेरियस वालों को मैं कहूंगा देखें आपका जो असेंडेंट जो लगन का मालिक है वो रेट्रोग्रेड चल रहा है, इतनी अच्छी पोजीशन अभी नहीं मानी जाती मगर बहुत अच्छी जगह पे चल रहा है। तो इस जो आने से पहले का आपको अच्छे ग्राउंड बनाएगा, मतलब जैसे आपकी कुछ फाइनेंशियल मामलों में कुछ बेहतरी की तरफ आप जाएंगे, कुछ मतलब होता है ना जैसे अपनी फैमिली को लेके, जैसे फैमिली में जैसे आपके बच्चे हो गए और रिश्तेदार हो गए, इनकी तरफ आपका माइंड बहुत ज़्यादा फोकस बनता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब घर पे आपका फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, घर पे आपका ध्यान बहुत बढ़ेगा। वालदा की आपको हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रख के अभी भी चलने की ज़रूरत है। आपके छोटे बहन भाई, छोटे कज़न, उनकी थोड़ी सी तरह हेल्थ की कोई ख़राबी है इस टाइप की आपको न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। आपके जो बड़े रिश्तेदार हैं जैसे बड़े कज़न हो गए या बड़े रिलेशन में जैसे चाचा चाची इस टाइप की होगा, उनकी कोई खुशी की खबर आपको सुनने को मिल सकती है। आपकी अपनी पर्सनैलिटी में भी इस हफ्ते के एंड में आपको निखार पैदा होता हुआ नजर आएगा। लड़ाई झगड़ों से और ऐसी चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा परहेज करना, किसी के जैसे होता है ना कि किसी के लड़ाई झगड़े में ना पड़े, यानी कि किसी उससे थोड़ा सा आपको दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्स आपका 12वें घर में चल रहा है। गाड़ी या बाइक भी आपको बहुत एहतियात से चलानी है, गुस्से को अपने कंट्रोल करके चलना है। और एक और मैं आपको बात कहूँगा, अगर होता ना कि जैसे आपके जो अगर आपकी शादी हुई भी आपका जो पार्टनर है उसके साथ भी आपको बहुत बैलेंस करके चलना है, वरना ये बहुत ज़्यादा खराबी की तरफ लेके जा सकता है।
अगले बुर्ज की तरफ मैं आऊंगा, कैप्रिकॉन वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान होते हैं। कैप्रिकॉन वालों को कहूंगा आपको फाइनेंशियल तौर पर आपका कोई फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, मगर खर्चे आपके फिर कहूंगा बहुत ज्यादा बढ़े हुए चल रहे हैं। इसको आपको थोड़ा कंट्रोल करके चलना है, क्योंकि आपका सन भी 12वें घर में आ गया है, तो आपको थोड़ा सा जरा बैलेंस करके चलना है। अपनी वालिद की हेल्थ का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। और मैं आपको एक और खास ये कहूंगा, वालदा के मतलब जो उनकी वालदा की हेल्थ में जो खराबियां चल रही थी उसमें आपको कुछ हद तक बेहतरी देखने को मिल सकती है। मोहब्बत के मामलों में भी आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स रहेंगी, बल्कि मैं ये कहूंगा कि आपकी पर्सनैलिटी में भी एक निखार पैदा होगा। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, रूहानी मामलात में या मजहबी मामलात में आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बायस पॉजिटिव रहेगी। अब मैं बताऊंगा एक्यूरियस वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। एक्यूरियस वालों को मैं कहूँगा आपके फाइनेंशियल तौर पर कुछ आपको फ़ायदा देखने को मिल सकता है, मगर आपको भी मैं कहूँगा कि आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़े हुए चल रहे, उसको कंट्रोल करके चलने की ज़रूरत है, क्योंकि सैटर्न लगन पर चल रहा है। हो सकता है आपको इस हफ्ते देखने को मिलेगा कि आपके मुंह से निकली हुई कोई बात या आपकी सोची हुई कोई चीज़ वो पूरी हो सकती है। मतलब इस टाइप की जो कहते हैं ना कि एक हिडन पावर आपके अंदर थोड़ी सी आपको रहेगी, स्ट्रांग रहेगी, तो अपने मुंह से अच्छी बात निकालिएगा, अच्छी चीज़ें सोचिएगा। ये आपको मैं ऐसी टिप बता रहा हूँ जो आपने शायद अपनी फोकस नहीं की होगी, तो ये वाली वो टाइम चल रहा है आपका। इसमें कोई आप अच्छी जैसे होते हैं कोई आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करें, कोई वज़ाइफ करें, मतलब कुछ ऐसी पॉजिटिव चीज़ें करें जो आपके मुँह से अच्छी बातें निकलें। छोटे बहन भाई, छोटे कज़न, उनकी कोई खुशी की तकरीब या उनसे कोई आपको फ़ायदा या उनको कहते हैं ना कि उनकी कोई ख्वाहिश पूरी होना, जैसे कोई अगर औलाद चाह रहा हो छोटे बहन भाई या छोटे कज़न, या कोई शादी के मामलों में अगर कोई रुकावट से, मतलब कोई ना कोई छोटे जो आपके कज़न बहन भाई या जो भी हैं रिश्तेदार हैं उनको कोई ना कोई फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है इस हफ्ते। आप अगर अपने कपड़े बनवाना चाहते हैं, अपनी कहते हैं कि अपने ऊपर थोड़ा सा आपका ध्यान बढ़ेगा, अपने मतलब अपनी पर्सनालिटी में आपको चेंजिंग करेंगे। और प्रोफेशनल मामलात में कहूँगा मैं इस हफ्ते के एंड में आपका हो सकता है कोई ना कोई जिसे कहते हैं ना कि जॉब या बिजनेस से कुछ थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि हटकर आपका चलने का अभी भी ध्यान चल रहा है, तो थोड़ा सा उसको मैं कहूँगा अभी आप होल्ड कर लीजिएगा प्रोफेशनल मामलात को। इसमें एकदम कोई आप नया स्टेप नहीं उठाइएगा, जॉब ढूंढ रहे हैं या बिजनेस कर नया करना चाह रहे हैं वो तो ठीक है, मगर कुछ चलते हुए को आप चेंज नहीं कीजिएगा। अब मैं आपको बताऊंगा पाइसेस वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। पाइसेस वालों को कहूंगा आपको फाइनेंशियल तौर पर कोई अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, कोई हो सकता है कोई नई डील या कोई नई जॉब कह लें या कोई बिजनेस से रिलेटेड कह लें आपको थोड़ा उसमें फायदा होता हुआ भी नजर आ रहा है, मगर आपको भी मैं कहूंगा कि आपके खर्चे अभी भी बहुत ज्यादा बढ़े हुए चल रहे हैं, क्योंकि सैटर्न 12वें घर में चल रहा है। खर्चों को आपको कंट्रोल करके चलना है। पार्टनरशिप के मामलों में आपको बहुत एहतियात करनी है, लड़ाई झगड़ों से दूर रहना अगर शादी हुई भी है। मोहब्बत के मामलों में कुछ हद तक आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। ससुराल से रिलेटेड आपको अगर आपकी शादी हुई भी है तो आपको ससुराल वालों से होता ना कि कोई ना कोई जो छोटी मोटी लड़ाई या छोटी मोटी नाराजगी इस टाइप मतलब बहस से थोड़ा सा आपको परहेज करना है, वरना बात थोड़ी सी खराब हो सकती है। वालिद के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग होती हुई नजर आ रही है, मगर वालिद की हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, खासतौर पर लोअर लेग पेन हो सकता है वालिद के। और आपको मैं एक और खास बताऊं पाइसेस वालों को कि एक आपको अच्छी या बुरी चीज़ होने से पहले एक इंटीग्रेट होगी इस हफ्ते में, इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मून भी आपका 12वें घर में चल रहा है, आपके मुँह से निकली हुई कुछ बातें पूरी होंगी। और कुछ हो सकता है आपको जैसे आपको सोच रहे हैं और वो आपने सोचा और एकदम सामने आ गया, इस टाइप की चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। थोड़ा सा अपने ऊपर भी आप ध्यान रखिएगा इस मामले में। और मैं कहूंगा आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।